यदि आपके भी प्लांट में पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं तो क्या कारण है, आज की वीडियो में इस बात पर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, नवंबर का मंथ शुरू हो चुका है और हमारे प्लांट्स की पत्तियां पीली होकर झड़ने लगी हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इससे हमारा प्लांट ख़राब नहीं होता है, बल्कि जो प्लांट्स डोरमेंट होने वाले हैं अब विंटर में, वो सभी प्लांट्स की कुछ पत्तियां पीली हो जाएंगी जो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और कुछ प्लांट हमारे थोड़े खाली भी नज़र आएंगे। तो इससे हमें घबराना नहीं है। और जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो भर कर पत्तियाँ गिरा देता है और हम डर जाते हैं, तो हमें इस चीज़ की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये पत्तियाँ पीली होना प्लांट के ख़राब होने का इंडिकेशन नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इस समय पर हमें फर्टिलाइज़र देना बंद कर देना है, क्योंकि ये सारे प्लांट्स डोरमेंट होने वाले हैं। कुछ समय ये स्लीपिंग टाइम में जाएंगे और बहुत सारी पत्तियाँ झाड़ कर ये बिल्कुल थोड़े खाली से भी हो जाएंगे। तो इससे हमें डरना नहीं है, फरवरी में फिर से ये ग्रोथ करेंगे और जहाँ जहाँ से पत्तियाँ निकली हैं वो फिर से ग्रोथ कर जाएंगी, वहाँ से स्टेम निकल आएंगी। तो ध्यान दीजिए अपने उन प्लांट्स पर जो कि डोरमेंट होने वाले हैं, उनकी केयर कैसे करनी है। और पीली पत्तियां होना एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे हमारा प्लांट ख़राब नहीं होता है। जब भी हमारा प्लांट ख़राब होता है तो उसकी पत्तियां या तो सिकुड़ती हैं या झुकती हैं या डल हो जाती हैं, लेकिन पीली नहीं होती हैं। तो इसलिए अपने प्लांट्स की केयर कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप करके पूछ सकते हैं कि कौन सा प्लांट डोरमेंट होने वाला है।